खबर आपको बता रहे हैं। तो सीएम चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, ये बहुत बड़ी खबर राजधानी रांची से इस वक्त की सामने आ रही है। गवर्नर को सीएम चंपाई सोरेन ने इस्तीफा सौंप दिया है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्यपाल से मिलेंगे हेमंत सोरेन, राजधानी रांची से ये बड़ी खबर। राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बता दें। सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे हेमंत सोरेन, सत्ताधारी विधायक भी राजभवन जाएंगे और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है? हम तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं गाड़ियों का काफिला भी निकलना शुरू हो चुका है। चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जी अविनाश, पहले सीएम आवास से मुख्यमंत्री का काफिला जो अगर हम कहें, पहले तो अपने आवास गया था और अब जो जानकारी आ रही है उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है। लेकिन हेमंत सोरेन यहाँ पहुंच चुके हैं और हेमंत सोरेन अपने समय से पहले की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पहुंचे। पहले जो जानकारी आ रही थी कि 7 से 7:15 बजे के बीच सभी लोग निकलेंगे, लेकिन समय से पहले ही वो सीएम आवास में जो बैठक चल रही थी वहाँ से निकलकर सीधे यहाँ राजभवन पहुँचे हैं। और दूसरी बात ये भी बता दें कि जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं, तो थोड़े से समय की बात है और उसके बाद ये देखना होगा कि जो दावा पेश के लिए आए हैं वो दावा पेश करने के बाद कितने वक्त के बाद शपथ के लिए बुलाया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ दिवाकर तिवारी भी जुड़ गए, एक बार फिर से उनका भी रुख कर लेते हैं। दिवाकर जी, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, अब क्या कुछ आगे होने वाला है? चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? राज्यपाल के पास जाने के बाद हेमंत सोरेन की तरफ से भी क्या कुछ बातें रखी जाएगी, क्या होगी पूरी प्रक्रिया? देखिए, चंपाई सोरेन ने अपने इस्तीफे की कॉपी भेज दी है राजभवन को, सॉफ्ट कॉपी जो है राजभवन पहुंच गई है। और अब जो नेता राजभवन पहुंचे हैं, हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन, विधायक दल के नेता कांग्रेस के प्रदीप यादव और जो आरजेडी विधायक दल के नेता सत्यानंद भोक्ता और सीपीआई माले के विधायक जो है वो विनोद सिंह, ये अब सभी जो है राजभवन में नई सरकार का दावा पेश करेंगे। हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेने की जो है तारीख मांगेंगे राज्यपाल से, और थोड़ी देर में ये तय हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा कि हेमंत सोरेन कब जो है अगले मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। कोशिश है कि आज जो है देर रात तक जो है उन्हें शपथ दिलाई जाए और पूरी कवायद चल रही है। और देखिए, सुबह 11 बजे से जो कवायद चल रही थी उसमें सब कुछ तय कर लिया गया। चंपाई सोरेन ने जो है गवर्नर को अपना इस्तीफा भेज दिया, अब हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचे हैं तो वो अपने विधायकों के हस्ताक्षर सहित जो समर्थन पत्र है वो राजभवन में सौंप रहे हैं राज्यपाल को। राज्यपाल से वो मिलकर जो है वो जो समर्थन पत्र है वो सौंप रहे हैं और थोड़ी देर में ये तय हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा कि हेमंत सोरेन को राज्यपाल कब बुला रहे हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। तो दिवाकर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ये भी जानना चाहेंगे कि इतने बड़े सियासी उलटफेर का क्या मकसद हो सकता है? क्या आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उसके मद्देनजर इतना बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है? मतलब साफ है कि हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव जीतने की गारंटी है। यानी कि 2019 में हेमंत सोरेन ने जो अपने गठबंधन के विधायकों का आंकड़ा 50 से पार पहुंचाया था, तो अब गठबंधन में शामिल सभी दलों को ये भरोसा है कि हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही आप चुनाव लड़ सकते हैं और जीत जो है हेमंत सोरेन के चेहरे पर ही मिल सकती है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन, जबकि लोकसभा चुनाव का नतीजा आया और जब सीटें बढ़ी और जो ट्राइबल के लिए आरक्षित सीटें हैं, आदिवासियों के लिए आरक्षित पांचों की पांचों सीटों पर जीत मिली, तो अब जो है लगता है कि एक कॉन्फिडेंस आया है कि हम जिस तरीके से लोकसभा में हमारी सीटें 2 से 5 हुई,
तो हम जो है सत्ता में अपनी वापसी कर सकते हैं, हमारी जो है सत्ता बरकरार रह सकती है, 2024 का हम मैदान जीत सकते हैं। तो अब यहाँ से जो लड़ाई है वो 2024 की लड़ाई है, यानी कि 2024 को लेकर लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक जानकारी आपसे ये भी लेना चाहेंगे, क्योंकि चंपाई सोरेन इस वक्त मुख्यमंत्री के पद पर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जाहिर सी बात है उनकी भी कुछ महत्वाकांक्षा होगी, अब उन्हें आगे कौन सा पद दिया जा सकता है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी के भीतर उन्हें दी जा सकती है? देखिए, जब गठबंधन की सरकार चलती है तो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, और 2013 में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के समर्थन से, तो उस समय भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, उसमें वीके हरि प्रसाद थे, उसमें जयराम रमेश थे, उसमें जो कांग्रेस के स्थानीय नेता थे सुखदेव भगत थे, जेएमएम के लीडर्स थे। तो ऐसे में ये खबर आ रही है कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, सरकार जो गठबंधन की सरकार है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है उसको लागू करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की अहम भूमिका होती है। गठबंधन दलों के अपने एजेंडे होते हैं, अपने मैनिफेस्टो के पार्ट होते हैं, उनको लागू कराने के अलग जो है मुद्दे होते हैं, तो उनका समाधान जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी से निकलता है, उसमें चंपई सोरेन को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और चंपई सोरेन के लिए ये जो है सम्मानजनक स्थिति होगी, क्योंकि सब चंपई सोरेन अब पूर्व मुख्यमंत्री होंगे, तो उनके लिए कोई सम्मानजनक रास्ता निकाला जा रहा है। उसमें ये कहा जा रहा है कि आप जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी का कमान संभालें, तो कोऑर्डिनेशन वाकई दिवाकर जी चंपई सोरेन को अभी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। हमारे साथ संवाददाता अविनाश लगातार बने हुए हैं, राजभवन के बाहर भी मौजूद हैं वो, क्या कुछ तस्वीरें हैं अविनाश के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है, क्या कोई हलचल इस वक्त राजभवन के बाहर आप देख पा रहे हैं? अविनाश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो क्या कोई हलचल इस वक्त राजभवन के बाहर, क्योंकि हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, और यही वो तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पा रहे होंगे राजभवन तक गाड़ियों का काफिला पहुंचा, चंपाई सोरेन की तरफ से इस्तीफा दिया गया, राज्यपाल से हेमंत सोरेन की मुलाकात होनी है। ये बहुत बड़ा सियासी उलटफेर झारखंड की सियासत में देखने को मिल रहा है, और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, फिर से उनका रुख कर लेती हूं। दिवाकर जी, ये बहुत बड़ा सियासी उलटफेर तो है ही, अभी अभी हम चंपाई सोरेन की जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्या कुछ उनकी जिम्मेदारी हो सकती है, आगे उनका राजनीतिक करियर कैसे बढ़ सकता है, पूरी जानकारी दें। देखिए, चंपाई सोरेन लगातार सरायकेला सीट से जीतते आ रहे हैं और जेएमएम के फाउंडर लीडर्स में से एक हैं, और ये माना जाता है कि कोल्हान के एरिया में, हालांकि वो संथाल नेता हैं, लेकिन कोल्हान में उनकी अच्छी पकड़ है और पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। जब हेमंत सोरेन को अपना विकल्प चुनना था तो उनको भरोसेमंद के तौर पे चंपई सोरेन ही नजर आए, क्योंकि चंपई सोरेन उनके पिता शिबू सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में कदम ताल करते थे, और एक तरीके से शिबू सोरेन परिवार के वो भरोसेमंद नेता है। तो चंपई सोरेन को स्ट्रेटजिकली जो है हेमंत सोरेन करीब रखना चाहेंगे, क्योंकि उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं उनके जो 2024 के विधानसभा चुनाव की स्थिति। दिवाकर जी, हम और भी चर्चा करेंगे चंपाई सोरेन की जिम्मेदारियों को लेकर, लेकिन इस वक्त हमारे संवाददाता अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करूंगी। अविनाश, क्या कोई हलचल राजभवन के बाहर आप देख पा रहे हैं? जी अविनाश, नहीं, जरूर देख पा रहा हूं, और जो काफिला हेमंत सोरेन का आवास से निकला था, सीएम आवास से निकला था, वो काफिला जो है वो सीएम चंपई सोरेन के घर पहुंचा हुआ है, और प्रदीप यादव भी उनके साथ हैं, और उसके बाद वहां से सभी लोग यहां राजभवन पहुंचेंगे। इससे पहले जो काफिला अंदर गया वो राज्यपाल का था, और अब इंतजार सिर्फ हेमंत सोरेन का हो रहा है, और ये कोशिश हो रही है कि हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन और जो गठबंधन के नेता हैं, सत्ताधारी दल के जो नेता हैं, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, वो साथ पहुंचेंगे। तो जो सीएम आवास से हेमंत सोरेन का काफिला निकला था वो राजभवन पहुंचने के बजाय राजभवन से पहले जो चंपई सोरेन का आवास है वहां गया हुआ है, और अब जो जानकारी आ रही है कि अब से कुछ मिनटों के अंदर सभी लोग यहां राजभवन में प्रवेश कर जाएंगे। अविनाश, एक जानकारी आपसे और भी लेना चाहूंगी कि राजभवन में कुछ ही लोगों को प्रवेश की अनुमति मिलती है, क्या इस बाबत कोई जानकारी आपके पास कि अंदर कौन कौन जाएंगे? और मुझे जहां तक नजर आ रहा है कि मौसम का मिजाज भी थोड़ा बिगड़ा हुआ है, बारिश हो रही है,
इससे परेशानी भी हो सकती है, लेकिन सभी नेता वहां पर अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे। नहीं देखिए, आपने सही कहा कि राजभवन के अंदर कौन कौन जाएगा, ये पहले से एक सूची भी होती है और जरूर वो सूची राजभवन पहुंच चुकी होगी। और बारिश हो रही है, बारिश के कारण आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो सत्ताधारी दल के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो अभी राजभवन के पास आपको नहीं दिखेंगे। ये सन्नाटा आपको सामने रोड की तरफ ज़रूर दिख जाएगा और इसी सामने वाली रोड से सभी को आना है। तो इंतज़ार जो हो रहा है, इंतज़ार हेमंत सोरेन के राजभवन में आने का इंतज़ार हो रहा है। और जो ये सड़क और ये सुरक्षा व्यवस्था आप सामने देख पा रही हैं, जो पुलिस के जवान हैं, खुद जो रांची के SSP हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं और किसी को भी अब इस रास्ते में अंदर आने की अनुमति नहीं है, किसी भी वाहन के अनुमति नहीं है। सभी लोगों को दोनों ही छोर की ओर अगर हम बात करें, एक तरफ अगर आप राजभवन को जो आने वाला रास्ता है उसकी बात कर लें और दूसरी तरफ जब हम रातू रोड चौक से आप अंदर आते हैं उस इलाके की अगर हम बात कर लें, दोनों ही इलाके से इस रास्ते में आने के लिए सड़कों को अवरोध कर दिया गया है, लोग नहीं आ सकते हैं। तो अभी जो अपडेट है और लगातार हम जो कल से कह रहे हैं वो अविनाश, अभी आपने जानकारी दी कि चंपाई सोरेन के आवास पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर क्या हलचल हो सकती है, क्या वहीं से सभी सीधे राजभवन तक पहुंचेंगे? नहीं देखिए, ये जरूरी भी था क्योंकि अगर आप देखें चंपाई सोरेन सुबह आए थे, बैठक में शामिल हुए, बैठक में लंबी बैठक जो चली उसके बाद चंपाई सोरेन वहां से निकलकर अपने आवास चले गए थे। अब जबकि सभी लोग जान चुके हैं कि नेतृत्व तो परिवर्तन हो रहा है और जैसा कि हमारे सहयोगी भी लगातार अपडेट दे रहे हैं अलग अलग जगहों से भी, राजभवन से यहां एयरपोर्ट की हम लगातार तस्वीरें दिखाते रहे, तो अब जो स्थिति है और हेमंत सोरेन इसलिए भी चंपाई सोरेन के पास पहुंचे हैं कि एक कटसी भी है, शुरू से ही चंपाई सोरेन को बहुत ही आदर और सम्मान दिया जाता रहा है पार्टी के अंदर और खासकर अगर हेमंत सोरेन की बात कर लें, अगर ऐसा नहीं होता तो जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और जब ताजपोशी की बात हो रही थी तो एकमात्र नाम सिर्फ और सिर्फ चंपाई सोरेन का ही आया था। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब राजभवन आने की बात हुई तो खुद हेमंत सोरेन जो है वो पहुंचे और वहां से अब उन साथ में ही चंपाई सोरेन को साथ में आएंगे और जो सत्ताधारी दल के जो और विधायक हैं वो यहां पहुंचेंगे। अविनाश, हम आपकी तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक बस मुझे नजर आ रही है, ये बस कोई आम बस है या फिर पिछली बार की तरह बस में बैठकर सभी विधायक कार्यकर्ता पहुंचेंगे, ऐसी भी कोई एक गाड़ी और भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को हम दिखा पा रहे हैं, ये किसकी गाड़ी है? नहीं देखिए, ये राजभवन की गाड़ी थी जो इस वक्त राजभवन के मुख्य द्वार से अंदर गई है और जिस बस की आप चर्चा कर रही हैं उस बस पर जो है वो पुलिस के जवान तैनात हैं और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के जवानों को इस इलाके में लगाया गया है, क्योंकि घंटे घंटे में जो तस्वीरें बदली और पल पल बदलती हुई तस्वीर के बीच जो तैयारियाँ थी, जब 7:30 बजे के समय की जानकारी आई उस हिसाब से जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी और जो हम दिखा पा रहे हैं लगातार जो पुलिस के जवान हैं और जो पुलिस के पदाधिकारी हैं वो मोर्चा संभाले हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इस वक्त जो नज़रें हैं और कैमरे की नज़र के साथ साथ लोगों की जो नज़रें हैं वो सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि जब सामने से जो गाड़ी आएगी उस गाड़ी में ये देखना होगा कि हेमंत सोरेन के साथ क्या। वाकई अविनाश, सबसे पहले वो तस्वीरें अपने दर्शकों को आपके माध्यम से हम दिखाएंगे, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करूंगी। दिवाकर जी, आज ये इस्तीफा हुआ, अब हेमंत सोरेन राज्यपाल तक पहुंचेंगे, राजभवन जाएंगे, क्या शपथ ग्रहण करने की भी तारीख आज ही तय हो सकती है या अभी ही शपथ लिया जा सकता है, क्या ऐसी भी कोई जानकारी आपके पास? किसी भी हालात में हेमंत सोरेन चाहते हैं कि आज ही शपथ ग्रहण समारोह हो और उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। ज्यादा से ज्यादा अगर गवर्नर आज का दिन मुकर्रर नहीं करते हैं तो संभव है कि कल जो है हेमंत सोरेन शपथ ले सकते हैं, लेकिन अब जो है एक प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, चंपाई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा भेजा है, अब जो है जैसे ही गवर्नर उसको स्वीकार करते हैं और उसके बाद जो है जो सत्ताधारी गठबंधन का जो नया नेता चुना गया है हेमंत सोरेन को, अब जो है नए नेता के तौर पे हेमंत सोरेन जो है सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी उनको और उसके बाद जो है
मंत्रिमंडल का विस्तार, अगर आज उनके साथ कुछ मंत्री शपथ लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो है किया जाएगा तारीख जब जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाया जाएगा। और आप देखिए कि जैसे ही हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दिया था तो उस वक्त जो है चंपई सोरेन के साथ कुछ ही चेहरे शपथ लेते हुए दिखाई दिए और बाद में कुछ सदस्यों को, मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाई गई। तो ऐसे में ऐसा ही हो सकता है कि हेमंत सोरेन को पहले शपथ दिलाई जाए, उनके साथ कोई चेहरे हो, कुछ चेहरे हों जो शपथ लें। तो ये कोशिश, पूरी कोशिश है हेमंत सोरेन की कि आज ही शपथ ग्रहण समारोह हो, अदरवाइज आज नहीं होता है तो कल किसी भी तरीके से, किसी भी हालात में शपथ ग्रहण समारोह हो और उसमें मुख्यमंत्री के तौर पे तीसरी बार जो है हेमंत सोरेन शपथ लें, पद और गोपनीयता की शपथ लें। तो अब दिवाकर जी, एक और सवाल हमारे आम दर्शकों के जहन में भी होगा कि कानूनी प्रक्रिया लगातार चल रही थी, जेल में बंद थे हेमंत सोरेन और अब सीधे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इस बीच जो प्रक्रिया चल रही थी क्या वो अब रुक जाएगी या आगे जो कानूनी प्रक्रिया जारी है वो अलग से चलती रहेगी?